ये क्या हो रहा है? खुद ने कहा लोबिया बनाओ, भी आप मेरी वीडियो बनानी शुरू हो गई। इतना सा किचन है, अब वहां भी मैं काम करूं या आपको देखूं? एनीवेज, फरमाइशी प्रोग्राम था कैसर साहब का कि लोबिया बनाते हैं। ये मतलब ये जो गुर्बत है ना, ये जाएगी नहीं इनके अंदर से कि लोबिया बना दो। हम पीटीवी में जब जाते थे शूट्स पे, तो वहाँ आउटडोर पे जब हम खाना खाते थे तो ये इसी तरह का लोबिया मिलता था, और उसके साथ नान के साथ। तो कोई नखरे नहीं थे कि मैकडॉनल्ड्स मंगा दें, KFC मंगा दें, फलां मंगा दें, तो यही खाते थे। तो हम उसी बहेले में क्या करें, और चलें बनाते हैं फिर निकालो। चलें अब बना ही रहे हैं वीडियो, तो फिर अब मुझे साथ काम कर देते हैं। प्याज डालती है लोबिया में, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, अच्छा जी टमाटर, आई होप लकीली आई हैव गॉट वन। ओके, तो ये जनाब आ गया, हरा धनिया, मिर्ची, प्याज, टमाटर, लोबिया, अच्छा जी प्याज काटा जाए पहले। अच्छा, यहाँ ये कि सारा काम आपको पता है खुद ही करना पड़ता है, लेकिन खैर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए कि मुझे तो आदत है। मैं तो शुरू से सारे काम वहाँ खुद ही करती हूँ अपने घर में, पाकिस्तान में भी, तो मुझे कोई मसला नहीं होता इस सब चीज़ों से। और एक और मेरी आदत है कि काम करते जाओ और साथ साथ समेटते जाओ, तो ये मैं हमेशा से, मेरी आदत है। और उसके लिए हल ये है कि आप एक एक्स्ट्रा बर्तन रखें, उसमें चीज़ें डालते जाएं। बिखरी हुई चीज़ें मुझे बहुत बहुत अनॉय करती हैं। अच्छा जी, अब हम प्याज काटते हैं बारीक। जी ये लीजिए बारीक, कैसे साहब को सही एंगल दे दूँ मैं, बसर का बाबा बसर पई वढ़ा। तो ये हो गई बारीक बारीक प्याज कट गई, और ये लीजिए जी बिल्कुल बारीक बारीक कट गई, डन। अब हम चलाएंगे चूल्हा, और इसको एक मिनट, प्लीज 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 गिव मी सम स्पेस। यहाँ पे जब आप बाहर के मुल्कों में आते हैं तो यहाँ पे एक होती है, कहते हैं उस बात को क्या, पर्सनल स्पेस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि एक्चुअली हमारे मुल्क में तो कहीं भी नहीं है, तो हमारे मियाँ में भी कहीं नहीं है। किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे ये सारी खवातीन इस बात को सेकंड करेंगी कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो बच्चे मियाँ सब आ रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, और बच्चे तो खैर चलो बच्चे तो अब नहीं होते, लेकिन ये कि मियाँ तो पराया, मतलब पराया बच्चा होता है ना मियाँ, तो वो भी टकरा रहे होते हैं, और ये वो, तो बंदा बड़ा तंग होता है, लेकिन क्या करें, बहरहाल जी मजबूरी है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा लोबिया जो है ना मैंने भिगो के रख लिया, इसमें अब हम डालेंगे ऑयल, और जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, वैसे आप ये देखें कि मेरे बच्चे ने हर चीज़ को कितना तरीके से रखा हुआ है, साफ़ सुथरा करके, अम्मा की तरबियत है, अम्मा की तरबियत। अच्छा जी, ये ऑयल हो रहा है गरम, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, जो बारीक बारीक कटा हुआ प्याज है ये हमने डाल दिया, और छोटा सा किचन है तो छोटा सा चॉपिंग बोर्ड है। ये आप मुझे थोड़ी देर दे दें, जब तक ये ज़रा प्याज होना शुरू हो जाए, तो फिर हम थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये प्याज ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई, ये ना एक्चुअली कैसे साहब की भी ट्रेनिंग हो रही है, उनको सिखा रही हूँ कि ये लोबिया कैसे बनता है, ताकि फरमाइशी प्रोग्राम का जब भी दिल चाहे तो ख़ुद भी बनाने का ट्राई करें। अच्छा, अब इसमें ये सब चीज़ें डलेंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं भूल गई थी, तो ये मुझे निकालना होगा, ब्रांड नेम छुपा के अदरक लहसुन का पेस्ट,
ठीक है, तो हाँ वो हमने छुपाया हुआ है। ओके, तो ये हम डालेंगे इसके अंदर। और हाँ, और मेरे मसाले, इसको ज़रा मैं हल्की आंच पे करूँ, लो फ्लेम पे, ताकि एक तो ये जो बिजली के चूल्हे हैं इन पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पकाना, क्योंकि वो आपको अगर आइडिया ना हो ना कि वो फास्ट फ्लेम पे ही चलते रहें तो फिर वो खाना जल जाता है। अच्छा, आए मसाले निकाल लेते हैं। ठीक है, ये दिखाऊं मैं सुघड़ मेरी औलाद, क्रश चिली, थोड़ी सी हल्दी। अच्छा वैसे सुघड़ औलाद ऐसे कि मैंने उसको जो है ना ये सारा बताया कि कैसे रखना है, और बाबा लून सॉल्ट एंड व्हाट एल्स, यस माय सीक्रेट रेसिपी ऑफ मिक्स मसाला, ओ माय गॉड, इट्स लाइक जस्ट फिनिशिंग आउट। ठीक है चलो, गुजारा हो जाएगा थोड़ा सा। और सफ़ेद ज़ीरा, व्हाट एल्स, पिसी हुई मिर्चें, टिपिकल देसी मॉम्स जैसी कोई जैम, कोई किसकी किसी भी पीनट बटर की बोतल खाली हुई, हमने फ़ौरन उसको धोया और उसमें मसाले रखने शुरू कर दिए। ये है टिपिकल देसी मॉम्स, आई कांट हेल्प इट, क्या करें, बचपन से यही देख रहे हैं, यही सीखा है। तो खैर, अच्छा जी इसको करें बंद। और भाई मैंने बर्तन नहीं धोए ना, आप अभी इधर की वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो बर्तन मैं आखिर में धोती हूँ, क्योंकि यहाँ बर्तन धो धो के हाथ ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना ग्लव्स लेके रखे हैं, तो वो जब सारा काम कर लेती हूँ ना फिर आखिर में मैं धोती हूँ बर्तन एक ही दफ़ा, बार बार पानी में हाथ नहीं डाल सकते कि यहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है, मतलब कभी आदमी ह्यूमिडिटी से तंग तो कभी बंदा ड्राइनेस से तंग। तो कराची में ह्यूमिड बहुत होता है, यहाँ ड्राई वेदर है बहुत, तो हाथ जो है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं। खैर ये देखें ये ब्राउन हो गया, अब इसमें, अब मैंने अगर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला ना तो एकदम से ही पटाखे मारना शुरू कर देगा ये। अच्छा लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, एक मिनट वेट, कि यहाँ आपको टैप वाटर इतना साफ़ मिलता है कि आप अपनी हर चीज़ में आराम से खाने पीने में टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ अलबत्त पीने के लिए हम ज़रा उसको उसमें एक फ़िल्टर हमने लगाया हुआ है वो हम पानी पीते हैं, लेकिन सब यहाँ पे टैप वाटर पीते हैं, तो हम पाकिस्तानी ज़रा हमें परेशानी हो जाती है कि ये टैप वाटर कैसे पी रहे हैं, तो हमने एक वो फ़िल्टर होता है ब्रेटा फ़िल्टर वो लगाया हुआ है, तो हम वो पीते हैं। अच्छा जी चलें अब हम मसाला बनाते हैं थोड़ा सा, अब आप दूर रहिएगा वरना आपके ऊपर पटाखे आएंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है ये मैं डाल रही हूँ, इसको मैं अभी मिक्स नहीं करती ताकि ये पता नहीं चले, जाना शुरू हो गया उसने पटाखे मारने शुरू कर दिए। चलें खैर इसको थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ ताकि ये ज़्यादा पटाखे नहीं मारे। ओके जी, ओके, दिस इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और प्याज में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें जो है वो मसाले डलेंगे, तो ये डलेगा सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है पानी थोड़ा डाला था वैसे तो मुझे थोड़ा सा वो करना होता है इसको ऐसे फ्राई, लेकिन खैर है चल जाएगा। देखिए बाहर के मुल्कों में जब आप होते हैं ना तो आपको अवेलेबल चीज़ों से गुजारा करना होता है, वहाँ नखरे नहीं चलते कि ये चाहिए वो चाहिए, भाई जो है गुजारा करो, घर का खाना अच्छा चाहिए। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, इसका बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं अभी ऐसी डाल रही हूँ, ठीक है ये ख़त्म हो गई है, ज़ोरियन साहब ने बना के नहीं रखी, उनको सिखाया था मैंने कि कैसे बनानी है। और ये आगे जी क्रश चिली, स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है ये डाली है मैंने थोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर चटपटा अच्छा लगता है ना ज़रा, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये सही रहे बिल्कुल और ब्यूटीफुल लगे। सो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा जी इसमें हम डालेंगे अ लिटिल लिटिल हल्दी, एक दो चुटकियां समझ लें, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे लून बाबा, नमक हमने डाला है। अच्छा चीज़ें मैं थोड़ा सा अगर आप कम भी रखें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि देखें कम जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो कम नहीं हो सकता। साथ साथ मैं ज़रा इसके जो है फिक्स करती जा रही हूँ हीट, वरना ये ख़राब हो जाता है। अच्छा जी अब ये हो गए हमारे मसाले, ऑब्वियसली जगह ज़रा कम होती है, छोटे किचन है, हमें तो वो
बड़े बड़े किचन में काम करने की आदतें हैं ना, तो क्या करें फिर, हमें परेशानी हो जाती है ज़रा। ओके सो वेल मैनेज। चलिए गई हमारी छुरी, अंदर रख दी थी मैंने धो के। विज माई नाइफ, विज माई नाइफ। चलो दूसरी छुरी निकाल लेते हैं। शेफ नाइफ्स की कोई कमी नहीं है मेरे खानों में। ओके सो बारीक बारीक काट रही हूँ ताकि ये जो है आराम से ज़रा गल जाए। ठीक है ओके, कैसे साहब आपको सही शॉट दे देते हैं, ये लीजिए। इसको बारीक बारीक बिल्कुल काटती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गल जाए। अब टमाटर, क्योंकि यहाँ तो बड़े क्रंची टमाटर होते हैं, ये नहीं होते कि कोई एक आध कोई ख़राब सा नरम सा आ गया, कोई सख्त आ गया, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ऐड करूँगी। अच्छा मैंने अभी ना ये खाली पिसी हुई मिर्च अभी नहीं डाली है, ये डालूँगी बाद में। इसको ज़रा ये थोड़ा सा टमाटर गल जाए तो फिर हम आते हैं ब्रेक के बाद। ये टमाटर थोड़े से नरम हो गए, बस मुझे नरम ही करने थे हल्के से। अब मैं इसमें ये लोबिया डाल दूँगी ताकि ये इस करके लोबिया से पहले मैं काम करती हूँ थोड़ा सा ना, इसमें ये लाल मिर्च डाल देती हूँ ताकि कलर भी आ जाए अच्छा सा। ओके ये आ गया जी जनाब लोबिया। को मिक्स करके इसमें सब चीज़ें क्योंकि हमने डाल दी थी तो हम इसको करेंगे मिक्स, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी और वाटर, क्योंकि मैंने इसको ना सिर्फ भिगो के रखा था, मैंने इसको गला के नहीं रखा था। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही ये थोड़ा पकना शुरू हो जाएगा, टमाटर गलना शुरू हो जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे। अच्छा जी इन द मीन टाइम ये बन रहा है तो मैं इसमें ये हरी मिर्चें डालना चाहती हूँ। अच्छा ये शीशी तो पेपर्स हैं लेकिन ये कोई इतनी तेज़ नहीं होती हैं। ठीक है तो ये मैं काट के रख रही हूँ और इनको मैं एंड में बिल्कुल ऐड करूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो जब तक ये बन रहा है तो मैं इसको काट के रख लेती हूँ। सही है, ये हो गई पेपर्स और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च। अच्छा जी सबसे ज़्यादा जो है ना दुख मुझे लगता है यहाँ पे, मुझे धनिया नहीं मिलता, मतलब जो कोरिएंडर होता है सिलांट्रो मिल जाता है और वो पार्सली मिल जाता है, मगर मुझे ना उसमें वो खुशबू नहीं आती है, मुझे मज़ा नहीं आता उसमें बिल्कुल भी। जो एक हमारा पाकिस्तान में धनिया मिलता है ना, जो हम सब्ज़ी लेके उससे कभी कभी, पहले तो खैर पहले कहते थे भाई धनिया और मिर्च डाल दो, बेचारा डाल देता था, लेकिन आजकल खैर वो महंगाई की वजह से
वो धनिया कहता है जी 50 रुपए का धनिया है, 40 रुपए का धनिया है, लेकिन उस हरे धनिया में जो खुशबू होती है ना, वो ये इतनी खूबसूरत शक्ल के भी जो ये सिलांट्रो पार्सले वॉट एवर इनमें वो नहीं है, वो टेस्ट, वो देसी खुशबू। आह धनिया याद आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके, बस ये मसला है मुझे। बाकी साफ़ सुथरा सब कुछ है लेकिन ओह चले खैर, ये मैंने रख लिया तसल्ली के लिए कि कम से कम चलो कुछ तो है। तो एक वो मुझे सिंधी की कहावत याद आ गई, मुझे मेरे बेटे ने कहा भाई आप पार्सली ले लें, पार्सले नहीं है तो आप सिलांट्रो ले लें। तो वो कैसर एक किसान सुनाते हैं कि बाबा बाबा मैं अच्छा के भाई, तो वो कहता है बाबा तू धूड़ वो छाई। तो एक वो याद आ गया कि क्या पार्सले क्या सिलांट्रो। अच्छा जी ये देखें ये हो गया है, और अब इसमें जो है मैं हल्का सा इसको मैश करूँगी क्योंकि गल गए अच्छे तरीके से। ओके ये इसको मैं चेक भी कर लेते हैं, बल्कि ना ये इतना गरम गरम है इस वक्त कि इसको ना मुझे क्योंकि कैसे करो थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है, बहुत वो मैश्ड और वो फिर बहुत मुश्किल सा हो जाता है, वो नहीं अच्छा लगता, थोड़ा ऐसे करारा करारा। अच्छा जी ये कैसे सब आप इसको चेक करें, ये चेक करें गल गया सही है आपके मिजाज के मुताबिक, दब बेहतरीन। अच्छा शुक्रन शुक्रन हबीबी, नमक जो छिड़क रही है इससे हाँ लगता है मेरे जख्म समझ ना कर यार, हमेशा तुम यही बात करते हो, कौन सा तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़का, यहाँ पे तुम्हें खड़े होके ये बना के दे रही हूँ, तुम कह रहे हो जख्मों पे नमक छिड़का, वाह वाह वाह। अच्छा जी मैं चख लूँ ताकि ये मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़के। अच्छा जी ये बेहतरीन बन गया हुआ है, इसको मैं करूँगी थोड़ा अब हाई फ्लेम पे, ठीक है, ताकि इसका जो इसमें हल्का सा पानी रह गया वो जल्दी सूखेगा, और इसके साथ साथ मैं इसमें ये हरी मिर्चें गई, ठीक है, और ये हरे धनिया की शक्ल की एक दूसरी चीज़ गई, और ये जी साथ साथ इसको थोड़ा सा मैश करूँगी, खुशबू भी आ जाएगी। वाह 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 हाउ ब्यूटिफुल, कैसा है भाई सीज़र कैसे साहब, चेक करें आप ज़रा, बहुत अच्छा थैंक यू। ठीक है चले अब इसको देख लें, इसको मैं दम पे रख रही हूँ, और मैंने इसको पहले टेस्ट किया था अभी सूख गया है, थोड़ी सी ग्रेवी हम रखेंगे इसमें, अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके और ये मैंने इसको ढक देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको जब प्लेट में निकाल के सर्व करूँगी तो फिर आप इसको चेकआउट कीजिएगा, ये देख लें। ओके बाय बाय। आजा भाई आजा, भूख लगी है आने दो। ये अरे भाई वाह, ये हटा देना ये छोड़ें, ये लीजिए ये, अगर आप किसी यहाँ के 5 स्टार में जाते या 2 स्टार में चले जाते तो बोलते किडनी बीन्स विद लाइक स्लाइटली स्पाइस्ड विद लेमन वेजेस। ओ यार ठीक है ओके पार्सली, चलो चूंकि बनाया तुमने है ये बहुत महंगा होता है, चूंकि मैंने इसलिए बनाया कि चूंकि आप खाना चाहते थे, क्योंकि क्योंकि चनाचे चख लो तुम पहले, गरम है गरम है यम है ओके आप बताए ना, ठीक है गिरेंगे इसमें, अरे भाई नहीं गिरते बाल आपके बहुत मजबूत बाल है, देखे ना अभी तक जब भी तो असली बाल हैं आपके, लोगों को उम्र उड़ गए बाल अब तक, ये तो है आप लोग बनाया ना खाएं, बेहतरीन है बेहतरीन बनाया बेहतरीन बना हुआ। आप लोग ये रेसिपी क्या करें बहुत आसान थी, आप देख लीजिए सीक्रेट मसाला जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने क्या किया था कि जीरा और धनिया साबुत धनिया उसको भून के और उसको पीस के रख दिया था, तो उसका एक अपना एक फ्लेवर आता है, तो वो है मेरी सीक्रेट रेसिपी। ओके एंजॉय, आप धनिया वगैरह पीस के रखा था, आप गलत रेसिपी ना बताएं, आप एंजॉय करें खाना, आप क्या आम गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, नहीं पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए, आम खाने से मतलब बेहतरीन बनाए, चलो हकीकतन कसम से। I'm sure I